एक ओर डोमिसाइल नीति लागू करवाने की मांग को लेकर शिक्षक अभ्यर्थी लगातार आंदोलनरत है, तो दूसरी ओर शिक्षक अभ्यर्थियों के इस आंदोलन में अब हिंदुस्तान आवाम मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष का भी समर्थन मिल गया है। और इसी कड़ी में संतोष कुमार मांझी पटना के गर्दनीबाग धरना स्थल पर पहुंच गए हैं और साफ तौर से शिक्षकों के समर्थन में अपनी आवाज बुलंद कर रहे हैं। जाहिर सी बात है कि हाल के दिनों में जो डोमिसाइल नीति नीतीश कैबिनेट के द्वारा पारित की गई थी, कहीं ना कहीं उसी मामले को लेकर लगातार अभ्यर्थियों का विरोध चल रहा था और इन अभ्यर्थियों के समर्थन में पटना के गर्दनीबाग धरना स्थल पर हिंदुस्तान आवाम मोर्चा सेकुलर के राष्ट्रीय अध्यक्ष संतोष मांझी भी आ गए हैं। हम यही चाहते हैं कि यहाँ के युवाओं युवा जो बेरोजगार है, जो यहाँ राज्य की सेवा करना चाहते हैं, उनको मौका मिलना चाहिए। बिहार में न मेधा की कमी है, न युवाओं की कमी है, सब पढ़े लिखे बेरोजगार हैं। तो आप जिस कमिटमेंट के साथ आपने मुख्यमंत्री बनने का सपना संजोगा कि यहाँ के 10 लाख युवाओं को हम रोजगार देंगे, A to Z की बात की, और आप विधानसभा में और सब जगह मीडिया के माध्यम से बोल रहे हैं कि बाहर के लोग ने यहाँ के लोगों को युवा रोजगार देंगे। अब तेजस्वी यादव जी कहाँ चले गए भाई, जब इस तरह के आप डोमिसाइल नीति में चेंज किए हैं कि बाहर के लोग भी आ सकते हैं, इसका मतलब है कि यहाँ के युवाओं में वो क्षमता नहीं है। और आपके शिक्षा मंत्री, आप ही के शिक्षा मंत्री बोल रहे हैं कि यहाँ के लोग में वो क्षमता नहीं है, यहाँ के लोग जानता ही नहीं है, सीट खाली रह जाती है। ये बिहार के साथ अपमान है और ये अपमान हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा सेकुलर नहीं सहन करेगा। इसलिए हम उन लोगों के साथ हैं, उन अभ्यर्थियों के साथ हैं जो सपना संजोए हुए हैं कि बिहार में हम सेवा करेंगे, और उनको पहले मौका मिलना चाहिए। अगर हमारे यहाँ बेरोजगारी की समस्या ना हो, सब लोगों को रोजगार हो, तो ठीक है, बाहर के लोगों को बुलाइए। जब यहाँ पर दक्ष लोग हैं, यहाँ पर काबिल लोग हैं, यहाँ पर पढ़े लिखे लोग हैं जो देश दुनिया में जाके पढ़ाने का काम कर रहे हैं, यहाँ के लोग हर 10 IAS में एक बिहार का होता है, सब जगह परचम लहरा है, तो यहाँ के लोगों को पहले मौका मिलना चाहिए, ये मांग हमारी है। इसलिए उनके साथ हम लोग हैं और हम लोग साथ रहेंगे। नौकरी मांग रहे हैं तो उन्हें लाठी मिल रही है, ये तो गलत है ना, ये तो सरकार की तुगलकी फरमाव है। सरकार डर से सरकार काम नहीं करना चाहती है, नौकरी नहीं देना चाहती है, तो उन लोगों पर केस किए जा रहे हैं, उन पर लाठी चार्ज किए जा रहे हैं, जो बेचारे अपने हक और अधिकार के लिए यहाँ पर पहुँच रहे हैं, सिर्फ उनसे आरजू विनती करने आ रहे हैं कि आपने जो नीति जो अपनाई है डोमिसाइल नीति में, जो आपने जो उसको जोड़ा है, उसको ख़त्म कर दीजिए, सिर्फ यही कहने तो आ रहे हैं। आगे क्या कीजिएगा आप लोग? अभी हम लोग देखिए, अगर बात नहीं मानी जाएगी तो हम लोग पूरे ऑर्गेनाइज तरीके से धरना प्रदर्शन और सरकार का विरोध करने का काम करेंगे। जाहिर सी बात है कि शिक्षकों के समर्थन में पटना के गर्दनीबाग धरना स्थल पहुंचे हिंदुस्तान आवाम मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा है कि जब तक सरकार डोमिसाइल नीति एक बार फिर से पुनः बहाल नहीं करती, तब तक अभ्यर्थियों के साथ हिंदुस्तान आवाम मोर्चा कदम कदम पर खड़ा है। नीरज त्रिपाठी, दर्श न्यूज़, पटना।